जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेबीटी टैट का 2023 का जीके के सेक्शन का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन। आज 26 नवंबर 2023 है और आज मॉर्निंग के सेशन में जेबीटी टैट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा। तो उसकी मैथ के सेक्शन की कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है विजयपथ एजुकेशन के द्वारा। अब जीके के सेक्शन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 121, चिल्का झील जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो चिल्का झील जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 था, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है। तो बैरन द्वीप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। उसके 123 है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना का जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ज्यादातर बच्चों ने नमामि गंगे किया है, लेकिन इसका राइट आंसर है नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी के लिए। ऑप्शन डी जो था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फॉर फियर किताब के लेखक कौन थे। तो आंग सान सू की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों के लिए सार्वभौमिक घोषणा जो है वो कब स्वीकृत की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कब एडॉप्ट किया गया था। तो 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1973 में, ऑप्शन ए इसका सही था, 1973 में इसको स्टार्ट किया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था, तो वर्तमान में किस नदी पर है, ऑप्शन सी नर्मदा नदी जो था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद पहले लोकसभा चुनाव कब हुए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपके जीके के सेक्शन के पूछे जाते हैं। ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल आपका नेक्स्ट 130 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा था चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर था तो वो था जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसका जो है वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद भारतीय संविधान जब बना था उस समय मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी, उस समय थी 21 साल, ऑप्शन बी था, लेकिन वर्तमान में अब आप वोट डालेंगे 18 साल के बाद। नेक्स्ट है, ऋतुओं में परिवर्तन गति पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण, रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, टुकान क्या है, टुकान जो है एक पक्षी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बुट्स डिस्पैच किस प्रकार का दस्तावेज था, बुट्स डिस्पैच जो था उसमें शिक्षा नीति को जो था दर्शाया गया था, एक हिंदी इंग्लिश मीडियम को दर्शाया गया था एजुकेशन की फॉर्म में, तो ऑप्शन बी शिक्षा से संबंधित ये जुड़ा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो यूपी से नहीं गुजरती है, मित्र पर गमछा झाड़, बिल्कुल सही इसका जो है एक ट्रिक बनती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हानिकारक किरणों से हमें कौन बचाता है, तो वो है ओजोन लेयर, जिसका फॉर्मूला है O3। सबसे भीतरी परत कौन है पृथ्वी की, तो वो है कोर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट 139वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन ए सही आंसर। सौर परिवार का सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है, बुध आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। छुआछूत की समाप्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई, तो ऑप्शन बी इसका अनुच्छेद 17 राइट आंसर था। नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, गल्वेनाइजेशन की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसका नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो अगर प्रॉपर साइंस की बात करें तो Fe2O3 डॉट अननोन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें XH2 होता है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आंसर की के ऊपर। वैसे तो ऑप्शन ए को ही मेजोरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर एक्स अननोन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर काउंट करते हैं तो ऑप्शन डी भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत लीवर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इसमें आगे बोला गया था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जिसने रंगभेद के कारण संघर्ष किया था, तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कीटों को पकड़कर अपना आहार जो बनाते हैं उसे कहते हैं पिक्चर प्लांट, यानी कि
घटपर्णी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी सही आंसर। यांगस्ती नदी कहाँ से जाती है? चाइना से जाती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए कब लागू हुआ? पारित हुआ था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आई होप आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन थे, 25 में से आपके बिल्कुल एक्यूरेट गए हों, आपका जीपीटी टैट का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसे आपके क्वेश्चन रहे थे। अगर आपने मैथ के सेक्शन को अभी नहीं देखा, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई, उसको भी आप जाके देखें। जय हिंद, जय भारत।